बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपको दो क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन वन के पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, वो वैसे ही थे जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था। अभी मैं उसका थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ और फिर फोर्थ आपको दूंगा करने के लिए, ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम MORE इन विच OR गिवन 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर एंड EO 7.5 सेंटीमीटर, और M तो बच्चों इसमें है ही नहीं। तो पहले आप एक रफ स्केच इसका बना लीजिए, रफ स्केच एक पैरेललोग्राम का नाम दे दीजिए उसे MORE। ये एक वैसे ही मैंने रफ स्केच इसका बना लिया बच्चे, और नाम दे दिया इसे MORE। अब आप इसमें ध्यान दें तो आपको OR गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली ME भी इक्वल होगा OR के, कितना 6 सेंटीमीटर। एक आपको गिवन है RE, ये साइड गिवन है कितनी, 4.5 सेंटीमीटर। अब ये 4.5 है बच्चों, तो ये भी 4.5 होगी, तो आप कह सकते हैं RE इक्वल टू OM इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। और एक दिया आपको ये डायगोनल कितना, EO 7.5 सेंटीमीटर, तो OE डायगोनल है हाउ मच, 7.5 सेंटीमीटर। तो चलिए बनाते हैं इसे। सबसे पहले मैं ये डायगोनल बना लेता हूँ 7.5 सेंटीमीटर का, ये आपका इससे 7.5 हो गया यहाँ पर, तो ये मैंने 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की और इसका नाम है कितना बच्चों, OE या EO जो चाहे नाम दे दो, EO कितना 7.5 सेंटीमीटर। अब E से आपके पास में देखना ME कितना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर, और OR भी कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ E को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर की, तो मैं अपने इसमें 6 सेंटीमीटर स्केल में डिस्टेंस लूँगा, ये 6 सेंटीमीटर आप इससे देख सकते हैं नाप, ठीक है 6, और E को सेंटर मानते हुए ये एक अर्क बना दूंगा कितना, 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप देखो तो OR, तो O से भी मैं एक अर्क बनाऊंगा ये R के लिए इधर 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अब आप देखना दूसरी लाइन है हमारी RE और OM, तो RE ये हो गया हमारा OM हो गया, और अभी हम बनाएंगे RE, E से ही बनाएंगे अभी लोग, ये इधर था R, ये साइड हमने R लिया ना यहाँ पे, और इधर क्या लिया M। चलिए तो ER मैं निकालूंगा इससे कितना, 4.5, ये 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, ठीक है, और इससे ये एक अर्क बनाएंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसे क्या कहेंगे हम, R। ये थोड़ा छोटा रह गया और कभी इसे पहले मैं पूरा कर देता हूँ 6 लेते हुए, ये 6 थी ना, तो ये आपका ये था ये, तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ जो आया बच्चों, ये क्या है R। अब देखो आपने ये ली थी 6, और अभी हम O से बनाएंगे OM कितना, 4.5,
तो अभी मैं 4.5 डिस्टेंस लूंगा इसमें, 4.5, तो ये ओ से 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक और अर्क बनाया, और ये आपका पॉइंट हो गया बच्चों कितना, एम। तो आप अभी ने मिला दीजिए एम ई, ज्वाइन करूंगा एम से ई को, ऐसे ही एम से ओ को ज्वाइन करूंगा, और ये आर से ई को ज्वाइन करूंगा, ये, और फिर ओ आर, ओ से आर को ज्वाइन करूंगा। देखो तो ये आपका बन गया पैरेललोग्राम एम ओ आर ई। ठीक है, आप ऐसे ही बिल्कुल उसका कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं जैसे कल लिखा था। क्या स्टेप वन, व्हाट, ड्रॉ ए लाइन ई ओ ओ ई 7.5 सेंटीमीटर। स्टेप टू, ये हो गया बच्चों आपका कितना, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर। तो स्टेप टू में नाउ विद ई एच सेंटर मेक एन आर्क ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। स्टेप थ्री, नाउ विद ओ एच सेंटर मेक एन आर्क विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। दीज टू आर्क इंटरसेक्ट एट एम। नाउ स्टेप फोर, ड्रॉ नाउ विद ओ एच सेंटर make an arc of length 6 cm. Step 5, with E at center make an arc of length 4.5 सेंटीमीटर। दीज टू आर्क इंटरसेक्ट एट आर। नाउ ज्वाइन ई आर ओ आर एम ओ एंड एम ई सब कुछ ज्वाइन कराया, वी गेट पैरेललोग्राम एम ओ आर ई। ऐसे ही बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा एक रोम्बस बनाना है। रोम्बस बनाना है बच्चों आपको, और उसका नाम है बी ई एस टी। आपको गिवन है बी ई कितना, 4.5 सेंटीमीटर, एंड ई टी इज 6 सेंटीमीटर। तो पहले आप एक रफ फिगर रोम्बस की बना लीजिए, ये रोम्बस होगा बी ई एस टी, एक रफ फिगर है। तो बी ई हमें गिवन है, बी ई इक्वल टू टी एस इक्वल टू
4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ई एस एंड बी टी, हियर गिवन ई टी। ई टी कितना बच्चों? 6 सेंटीमीटर। ये इसका डायगोनल। अब आप बताओ कि जो बी एस होगा वो कितना होगा? बी एस वो भी इक्वल लेंथ के होते हैं इसमें दोनों, और परपेंडिकुलरली क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ये बच्चों जो डायगोनल हैं इसके वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो इसमें हमें गिवन हो गया कितना, ये दिया है ई टी। तो एक डायगोनल ई टी आपको मालूम है और बी ई मालूम है और टी एस मालूम है, तो बी टी कितना होगा? चारों साइड तो इक्वल होंगी ना, तो बी टी और आपका ई एस ये भी कितने होंगे? 4.5 सेंटीमीटर। तो अब आप इसे ट्राई करो बनाने की, ठीक है? पहले आप चाहो तो ये डायगोनल बना लेना, कौन सा? ई टी, ये डायगोनल ई टी। ई टी आप 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ ई को सेंटर मानते हुए 4.5 इधर, 4.5 इधर, टी को सेंटर मानते हुए 4.5 इधर, 4.5 इधर, फिर इन्हें मिला देना, तो आपका रोमबस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आज ये आप ट्राई करेंगे और ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होगी, फिर हम आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।